क्या आप पिंपल्स, एक्नीस, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन जैसे स्किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो? आई नो, टीनेज के अंदर ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं और उसको सॉल्व करना और अपनी स्किन को हेल्दी और क्लियर रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं इस वीडियो में इसका परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इन तीनों स्किन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए तीन तीन सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, जिसको मैं स्कूल और कॉलेज टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ इन स्किन प्रॉब्लम्स से फाइट करने के लिए। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे इसको समझने में सालों लग गए, बट आप इसको सिर्फ ये वीडियो को देख के समझ जाओगे। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रमित। मैं जो लाइफ से सीखता हूँ वही आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इन सॉल्यूशंस को फॉलो करके कैसे अपनी स्किन को पिंपल फ्री रख पाओगे, कैसे अपने डार्क स्पॉट्स को परमानेंटली रिमूव कर पाओगे एंड कैसे अपने स्किन टोन को इवन कर पाओगे। ये ऐसे सॉल्यूशंस है जिससे मैं मेरी स्किन को बहुत कम बजट के अंदर पिंपल फ्री और इवन रख पाता हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ, एक बोनस टिप देने वाला हूँ आपके पिंपल मार्क्स को एकदम फास्ट रिमूव करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, स्किन केयर प्रॉब्लम जो होते हैं वो हमें बाहर से जितना अफेक्ट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमें यहाँ मेंटली अफेक्ट करते हैं। उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ डाउट्स आते हैं, सोशल एंग्जाइटीज होती है, लोगों से बात नहीं कर पाते, डिप्रेशन होता है और ये सारी चीजें आपके कॉमेंट्स में मुझे दिखती है और ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और उससे बाहर आया हूँ। तो इस चैनल पे आपको स्किन केयर वीडियोस के साथ साथ लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ पे भी वीडियोस देखेंगे ताकि आप आपकी पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंटली ग्रो कर पाओ। टीनेज में ना पिंपल्स और एक्नी अटैक बहुत होते हैं और जाहिर सी बात है कि मुंह पे पिंपल्स होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही। मैं तो मुंह छुपा के घूमता था, बट आपको इस पिंपल और एक्नी अटैक से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ये तीन वेपन्स देने वाला हूँ जिससे आप पिंपल्स और एक्नीस को परमानेंटली खत्म कर पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 1, से गुड बाय टू हार्श फेस वॉशेस। आपको क्या लगता है ये जो मार्केट में सारे फेस वॉश मिलते हैं उससे आपके पिंपल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, स्कूल से लेके कॉलेज टाइम तक मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज किए बट मेरे पिंपल की प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। जब मैंने केमिस्ट्री के अंदर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर्स किया, जब मैं प्रोफेशनली केमिस्ट बना तब मुझे पता चला कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है और ऐसे भी होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। बट मोस्टली मार्केट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स बहुत डाले जाते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे फेस वॉश यूज करने हैं जो सल्फेट, पैराबेन फ्री हो, माइल्ड हो और नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जिससे आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और पिंपल्स होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, डबल क्लींस। देखिए, पिंपल्स कैसे होता है, डस्ट, बैक्टीरिया और सीबम प्रोडक्शन मींस जो हमारे फेस पे ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हमारे पोर्स के अंदर जाता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और पिंपल डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपको फेस को क्लीन करना पड़ेगा, तो दिन में 2 बार आपको फेस वॉश जरूर करना है। सॉल्यूशन नंबर 3, डोंट पॉप एंड स्क्वीज योर पिंपल्स। आपके हाथों को थोड़ा काबू में रखिए। देखिए, होगा क्या कि आप एक पिंपल को फोड़ोगे वो तो खत्म हो जाएगा पर उसके साथ साथ 2-3 पिंपल को छोड़ के जाएगा क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पूरे फेस पे स्प्रेड होते ही है, आप कुछ भी कर लो स्प्रेड होंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी है कि पिंपल को ख़त्म नहीं करना है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करना है क्योंकि अगर आपने पिंपल के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर दिया तो दूसरे पिंपल्स आपको नहीं होंगे, आपकी पिंपल की प्रॉब्लम एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केमिकल कंपाउंड आता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो उसकी एक जेल आती है, उसको आपको यूज करना है। इस जेल को आपको सिर्फ नाइट में ही लगाना है, जहाँ पे भी पिंपल्स है वहाँ इसको अप्लाई करिए, पूरे फेस पे मत अप्लाई करना, सिर्फ पिंपल पे ही अप्लाई करना है। ओवरनाइट रखिए, सुबह वॉश कर दीजिए, 1-2 दिन में ये पिंपल को पूरा ख़त्म कर देती है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है, इसको देख लेना, आपको बहुत काम आएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, SPF, योर BFF। देखिए, स्किन केयर की बात आती है तो हम सनस्क्रीन को भूल ही जाते हैं, बट अगर आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं और आप कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हो और वो आपके डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे लाइटन हो रहे हैं, बट होगा क्या कि आप जैसे ही धूप में जाओगे, सनरेज के कॉन्टेक्ट में आओगे तो टैनिंग की वजह से आपके डार्क स्पॉट्स और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रही, कोई होम रेमेडी वर्क नहीं कर रही, पर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ टैनिंग से बचना है। तो सिंपल सनस्क्रीन का यूज़ करिए या फिर आपके फेस को कवर करके जाइए, सिंपल। सॉल्यूशन नंबर 2, ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स।
अरे कहना क्या चाहते हो? Whitening ingredients के आपको pigmentation है, dark spots है, तो आपको एक चीज को माइंड में रखना है, जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसके अंदर विटामिन सी होना चाहिए, नियासिनेमाइड होना चाहिए, कोजिक एसिड होना चाहिए। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को ब्राइटन बनाते हैं। इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फेस सीरम्स का यूज करो। विटामिन सी फेस सीरम आता है, नियासिनेमाइड आता है, ये आपकी स्किन कलर को एकदम ब्राइटन बनाते हैं और जो भी आपको डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, वो धीरे धीरे फेड अवे होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, पेशेंस इज की। देखिए, डार्क स्पॉट्स की बात आती है, पिगमेंटेशन की बात आती है, दाग धब्बे होते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट मैं वीडियो के एंड में आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिससे इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा फास्ट बना सकते हो। मेरे डार्क स्पॉट्स एक वीक में खत्म हुए थे इस चीज को यूज करने से। ये हमारी चैनल का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसपे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और बहुत लोगों को इससे हेल्प भी मिली है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस पे मैं आपको 3 सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन है एक्सफोलिएशन, द मैजिक टच। हमारा फेस डल दिखता है, उसका एक रीजन होता है डेड स्किन सेल्स, और उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप रिमूव कर सकते हो एक्सफोलिएट करके, स्क्रब करके। और अभी फेस सीरम का ट्रेंड चल रहा है, तो आप AHA BHA करके सीरम आता है उसका यूज कर सकते हो, बट उसको ना बहुत सेफली यूज करना पड़ता है, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। मेरे साथ ये हो चुका है। तो अगर आपको फेस सीरम्स पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट में मुझे बता देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पिंपल्स है तो आपको स्क्रब नहीं करना है, पहले आपके पिंपल्स को रिमूव करो, उसके बाद आप स्क्रब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, वो है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब मैं अवॉइड ही करता था, बट जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया, इंस्टेंट चेंज आने लगे। तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, उससे आपका ओवरऑल अपीयरेंस और आपका टेक्सचर एकदम इंप्रूव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके फेस पे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। और इससे नंबर 3, आइस क्यूब्स। आपको बर्फ नहीं खाना है, सिंपल आपको आइस क्यूब बनाने हैं। ये एक रेमेडी है, आपको नाइट में लगानी है। देखिए, अगर आपके पास ग्रीन टी है, ग्रीन टी को बनाइए, एकदम स्ट्रांग ग्रीन टी आपको बनानी है। इसको आइस ट्रे में डाल के आपको क्यूब्स बना लेने हैं, और जब रात को आप फेस वॉश करो उसके बाद इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में लगाना है। That's it. इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है, आप पोटेटो जूस का भी यूज कर सकते हो। अभी इस टॉपिक पे ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि फेस के लिए तो आपने बता दिया, पर हैंड्स और नेक के लिए हम क्या करें? तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, पूरा आपको समझाया है प्रोसेस कि आप कैसे हैंड्स, नेक, आपके एल्बोस, नीज और आपके फेस सबसे टैनिंग हटा सकते हो और अपने नेचुरल स्किन कलर को इंप्रूव कर सकते हो, वापस ला सकते हो। अब बोनस टिप की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, ये सारी चीज़ों में ये काम आता है, ऑल इन वन जेल है, उसका नाम है एडेफेरिन जेल, एडेप्टेलिन जेल भी बोलते हैं, 0.1% कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल इसको यूज़ कैसे करना है, सिर्फ रात को यूज़ करना है, जहाँ पर भी आपको डार्क स्पॉट्स है, ब्लैक हेड्स है, पिंपल्स है, वहाँ लगाइए, मिनिमल अमाउंट में लगाना है, सो जाना है, सुबह वॉश कर देना है, दैट्स इट। अब अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, डॉक्टर को भाई पहले पूछ लेना। देखिए फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड, ये स्किन प्रॉब्लम्स ना मेंटली हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं और एक सही ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो ये स्किन प्रॉब्लम्स एकदम से दूर हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और इन सॉल्यूशंस को फॉलो करना है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर स्किन केयर एंड लाइफ स्किल्स वीडियोस। इंस्टाग्राम पे एक सीरीज चल रही है 100 लाइफ स्किल्स इन 100 डेज चैलेंज, तो वहां पे फॉलो जरूर कर लेना, हर एक दिन आपको एक स्किल सीखने को मिलेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे positive.